Good morning, students. Today we shall learn English class 5th, topic 2nd. Topic name is Wisdom is better than strength. Let's start. आओ शुरुआत करते हैं. Wisdom होती है बुद्धिमता या ज्ञान. Is better than strength. जो बुद्धिमानी है वो श्रेष्ठ होती है ताकत से. There was a small city state called Mandu. वहाँ एक छोटा गांव था जिसका नाम था मंडू. एक स्मॉल सिटी स्टेट था, एक छोटा राज्य था जिसका नाम क्या था, मंडू था. द पीपल ऑफ मंडू वर रिच. पीपल मीन्स लोग, ऑफ मंडू मीन्स मंडू के, वर मीन्स थे, रिच मीन्स धनी. मंडू के जो लोग थे वो क्या थे, धनी थे. दे हैड क्रिएटेड ग्रेट वॉल ऑल अराउंड द सिटी स्टेट टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द एनिमीज. उन्होंने एक दीवार का निर्माण किया था, बड़ी दीवार का निर्माण किया था अराउंड मीन्स चारों ओर, सिटी स्टेट राज्य के चारों ओर, टू सेफ गार्ड सुरक्षा करने के लिए इट इसकी, फ्रॉम द एनिमीज शत्रुओं से, दुश्मनों से. यानी जो मंडू के लोग थे उन्होंने अपने राज्य के चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया था दुश्मनों से रक्षा करने के लिए. वंस एन एडवाइजिंग स्टेट अटैक्ड मंडू. एक बार जो एक पड़ोसी राज्य था मंडू का, उसने उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया. अटैक मीन्स हमला करना. एडजॉइनिंग होता है पास, पड़ोसी. ऑल द विलेज लेइंग आउटसाइड द वॉल वर कैप्चर्ड बाय देम. जो दीवार के बाहर जो लोग रह रहे थे वो सारे उनके द्वारा पकड़ लिए गए. कैप्चर मीन्स पकड़ लिए गए. आउटसाइड मीन्स बाहर, वॉल मीन्स दीवार, विलेजर मीन्स गाँव वाले. जो भी गांव वाले बाहर थे दीवार से, वाल्मीस दीवार से, वो उन दुश्मनों के द्वारा सारे पकड़ लिए गए. हाउ वर द एनिमीज कुड नोट एंटर द स्ट्रोंग गेट एंड वॉल्स. और जब भी वे जो दुश्मन थे वो उस विशाल गेट के या दरवाजे के या जो दीवार थी उसके अंदर स्ट्रोंग मिस मजबूत, एंटर मिस प्रवेश नहीं कर सके. सो दे थॉट, सोमिस इसलिए देश थोट, उन्होंने सोचा ओब सराउंडिंग द सिटी, राज्य को घेरने के लिए, चारों ओर से घेरने के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक. सो दैट ओ पीपल ऑफ मंडू, इसलिए कि जो मंडू के लोग हैं वुड स्ट्रा भूख से मर जाएंगे, वांट फॉर डाई, भूखी चाह में वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, फूड नहीं मिलेगा उन्हें ज़्यादा समय तक, तो भोजन न मिलने से भूख से मर जाएंगे. एंड सरेंडर बिफोर देम, और उनके सामने वो आत्मसमर्पण कर देंगे. सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण करना. तो इस प्रकार से उन्होंने जो दुश्मन थे उन्होंने उनके सामने सिटी के चारों ओर डेरा डाल लिया तीन लंबे समय तक. और उनकी प्लान ये थी कि जो लोग थे वो भूख से मर जाएंगे और आखिरी मजबूर होकर उनके सामने घुटने टेक देंगे. आगे देखते हैं. आफ्टर थ्री मंथ्स, तीन महीनों के बाद द किंग सुमेंट्स ऑल द पीपल्स एंड सेड. तीन महीनों के बाद राजा ने सभी पीपल मीन्स लोगों को बुलाया, सुमेंट मीन्स बुलाया, और कहा वी हैव एग्जस्टेड एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ समाप्त हो चुका है. एग्जस्ट मीन्स समाप्त होना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एस. पॉसिबल मीन्स संभव, यह अब हमारे लिए संभव नहीं है. एस मीन्स हमारे लिए, हमें. टू कंटिन्यू विद आवर रेजिस्टेंस, हमारा जो प्रतिरोध है हम इसे और आगे लंबा लेके चलें, यह हमारे लिए संभव नहीं है. पॉसिबल मीन्स संभव. बिकॉज नाउ वी वुड ऑल स्टव एंड डाई फॉर हंगर, क्योंकि अब हम सब भूख से मर जाएंगे. ये इसके बारे में किसने कहा, राजा ने कहा. क्यों, क्योंकि तीन महीनों से दुश्मनों ने उनको घेर रखा था. नेक्स्ट, द पीपल एग्रीड टू सरेंडर बिफोर द एनिमी. द पीपल मीन्स लोग थे एग्री मीन्स सहमत हुए, टू सरेंडर मीन्स समर्पण करने के लिए, बिफोर द एनिमी दुश्मन के सामने जो लोग थे वो समर्पण करने के लिए सहमत हो गए. जस्ट देन ए लिटल 12 years old boy, जस्ट देन ए 12, लिटल मीन्स छोटा, जस्ट मीन्स तभी, लिटल 12 years old, एक छोटा 12 वर्ष का लड़का नेम्ड कृष्णा अराइव्ड, जिसका नाम कृष्णा था, अराइव्ड मीन्स वहाँ पूछा, एट द कोर्ट, राजा के दरबार में.
तभी एक छोटा 12 वर्ष का लड़का कृष्णा, जिसका नाम था, वो अराइडमिस राजा के दरबार में पहुंचा, अराइडमिस पहुंचा एट द कोर्ट मिस दरबार में। आई कैन सेव द सिटी स्टेट फ्रॉम द एनिमी, आई कैन सेव, मैं बचा सकता हूँ द सिटी स्टेट राज्य को फ्रॉम द एनिमी दुश्मनों से, मैं अपने राज्य को दुश्मनों से बचा सकता हूँ, सैड कृष्णा, उस कृष्णा ने कहा। आई वांट ओनली ए गोट, मुझे एक बकरी चाहिए, वांट मिस चाहना, गोट मिस बकरी, मुझे केवल एक बकरी चाहिए, ओनली मिस केवल, मुझे केवल एक बकरी चाहिए। ए गोट वाज ब्रोट टू द किंग कोर्ट, एक बकरी ब्रोट मिस लाई गई किंग कोर्ट, राजा के दरबार में, राजा के दरबार में एक बकरी लाई गई। कृष्णा आस्क्ड फॉर राइस एंड ग्राम्स, कृष्णा ने कुछ चावल और चनों के लिए कहा, ग्राम मिस चने, राइस मिस चावल लाने के लिए कहा, आस्क्ड मिस कहा। सम ग्राम एंड राइस वर बोट्स, कुछ चावल और चने लाए गए। फीड दिस राइस एंड ग्राम टू द गोट, ये चावल और चने इस बकरियों को खिलाओ, सैड कृष्णा, कृष्णा ने कहा, कृष्णा ने कहा कि ये चावल और चने हैं ये इस बकरी को खिला दो। द राइस एंड ग्राम्स वर फीड, फीड मिस खाना खिलाएगा, टू द गोट, जो चावल और चने थे वो बकरी को खिलाए गए। नाउ ओपन द गेट, अब दरवाज़ा खोल दो, ऑफ द सिटी स्टेट राज्य का, एंड लीव, इसे छोड़ दो, दिस गोट, इस बकरी को, टू गो इन टू द फील्ड, खेतों में बाहर जाने के लिए। यानी क्या था, वो सारे चने और चावल बकरी को खिलाए गए और अब उस बकरी को बाहर चरने, खेतों में चरने के लिए छोड़ दो। सैड कृष्णा, किसने कहा, कृष्णा ने कहा। द गोट वॉज लेट आउट फॉर द सिटी गेट, जो बकरी को गेट से बाहर, राज्य गेट से बाहर छोड़ दिया गया। पीपल सा द एनिमीज शोल्डर, पीपल सा, पीपल मिस लोगों ने, सा मिस देखा, द एनिमी शत्रुओं को, शोल्डर मिस सैनिकों को, अप्रोचिंग पास आते हुए, एंड टेक किंग अवे द गोट, और बकरी को दूर ले जाते हुए लोगों ने दुश्मनों के सैनिकों को देखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल क्लाइम्ड ऑन द सिटी वॉल, अगले दिन जो राज्य के लोग थे दीवार के ऊपर चढ़े, क्लाइमिस चढ़े, सिटी मिस राज्य, वॉल मिस दीवार, टू लुक फॉर द एनिमीज, दुश्मनों को देखने के लिए। दे कुड नॉट सी एनी एनिमी, दे मानी वे कुड नॉट सी, नहीं देख सके एनी एनिमी, कोई भी शत्रु को, उन्होंने कोई भी शत्रु वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पीपल इन्फॉर्म द किंग, पीपल मिस लोगों ने, इन्फॉर्म मिस सूचित किया, किंग मिस राजा को, लोगों ने राजा को सूचित किया। द किंग सुमंड कृष्णा टू द कोर्ट, राजा ने कृष्णा को कोर्ट में बुलाया। हाउ डिड एनिमी गो अवे, कि जो दुश्मन थे वे दूर कैसे भाग गए, आस्क द किंग, राजा ने पूछा, राजा ने छोटे बच्चे से पूछा कि भी वो दुश्मन थे वो कैसे भाग गए। आगे देखते हैं, कृष्णा रिप्लाइड, कृष्णा ने उत्तर दिया, द गोट वॉज टेकन अवे बाई द एनिमीज, द गोट वॉज टेकन अवे बाई द एनिमी, जो बकरी थी वो शत्रु से, शत्रुओं को दूर ले गई। दे टोयर इट स्टोमैक ओपन, उन्होंने इसका पेट पाड़ा या चीरा। दे फाउंड राइस एंड ग्राम इन इट, उन्होंने इसके अंदर चावल और चने पाए। सींग दैट, यह देखकर, We have enough even to feed our animal. They thought that it was not possible to defeat people of Mandu. उन्होंने सोचा कि इनके जानवरों के पास ही इतना भोजन खिलाने के लिए तो इनको हराना अब मुश्किल है। So they all went away. इसलिए वे सभी दूर चले गए। Next देखते हैं आगे। Everyone praised the little boy for his intelligence. Everyone is सभी ने praise मिस प्रशंसा की the little boy छोटे लड़के की for his intelligence उसकी
बुद्धिमानी की सभी लोगों ने प्रशंसा की, छोटे से लड़के की सभी लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता के लिए क्या की, प्रशंसा की, क्योंकि उसने पूरे राज्य को बचा लिया गुलाम होने से। अब वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों इनके। सिटी स्टेट मीन्स होता है राष्ट्र या राज्य, क्रिएटेड निर्माण किया, बनाना टू सेफ गार्ड सुरक्षा करना, एडजॉइनिंग पड़ोसी या पास में स्थित, सुमेंट सुमेंट मीन्स होता है बुलाया, एग्जस्टेड एग्जस्टेड होता है समाप्त करना खत्म हो जाना, अराइव्ड मीन्स पहुंचना, राइस चावल होते हैं, लेट आउट छोड़ दिया गया, स्टोमक मीन्स पेट, टू डिफीट हराना, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। इस क्लास में आज हमने लेसन सेकंड पढ़ा है इंग्लिश का, और कुछ इसके एक्सरसाइज हैं वो भी देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर वर्ड में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देखते हैं कैसे फिल कर किया जाएगा। ये पार्ट को आप बुक के अंदर से पढ़ना है एक बार इस चैप्टर को, और जो भी लाइन है वहाँ पर ये मैच करती हैं वही इसके अंदर ब्लैंक्स आपको वर्ड भरना है। देखते हैं इसको एक बार। द पीपल ऑफ मंडूवर एग्जिस्टेड, यानी जो लोगों ने सब कुछ क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया था, उसका आएगा एग्जस्टेड समाप्त करना। द पीपल एग्रीड टू सरेंडर, पीपल एग्रीड टू, लोग क्या हुए थे, सहमत हुए थे, सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण करने के लिए, बिफोर द एनिमी दुश्मन के सामने, तो सेकंड में आएगा सरेंडर। थर्ड है आई वांट ओनली ए गोट, ये किसने कहा था, कृष्णा ने कहा था, आई वॉन्ट ओनली ए गोट, सैड द यंग बॉय, जिस जवान लड़के ने क्या कहा था, मुझे एक बकरी चाहिए, तो इसमें आएगा गोट। तीसरे में आएगा तीसरा ही, द गोट वॉज लेट आउट ऑफ द सिटी गेट्स, जो सिटी के राज्य के गेट्स है उसको बकरी को दूर या बाहर ले जाया गया। आगे देखते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, राइट द करेक्ट वर्ड ऑफ दीज लेटर्स, इनका प्रयोग करके सही वर्ड बनाने आपको। ये देखो ये है गोटा, लेकिन बनेगा जी ओ ए टी, जी ओ ए टी गोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गोट बन जाएगा। ये एम ई एन ई वाई, ये लेकिन बनेगा मैनी, एम ई एन ई वाई, मैंने लिख रहा है, इसको ध्यान से देख के बनाएंगे क्या बनेगा, वर्डों को आगे पीछे करके बनाने हैं इनको, ध्यान से देखना आप सभी को क्या शब्द बनेगा, वो चीज़ जरूरी। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोबारा एक बार दोबारा देखो इसको, ये होता है जी ओ टी ए, गोटा का बनेगा गोट, जी ओ ए टी गोट, इसका बनेगा एनिमी, ई एन ई एम वाई, एनिमी एनिमी होता है दुश्मन शत्रु, ये बनेगा एन ओ एल जी का बनेगा लॉन्ग, एल ओ एल ओ एन जी लॉन्ग मीस लंबा, ये बनेगा लिटल, एल आई डबल टी एल ई लिटल मीस छोटा, ये बनेगा हैंगर, एच यू एन जी ई आर, एच यू एन जी ई आर हैंगर, हैंगर मीस भूख, ये बनेगा स्ट्राव, एस टी ए आर वी ई, एस टी ए आर वी स्ट्राव मीस भूख से मरना। तो ये थे रेम्स कुछ वर्ड्स जो करेक्ट करके हमें लिखने थे। तो आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।